रामगढ़ताल पुलिस ने रविवार को डकैती की योजना बनाते हुए 8 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 8 संदिग्ध व्यक्ति गायघाट लहसड़ी फोरलेन अंडरपास के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा करते हुए पुलिस ने घेराबंदी करके सभी 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक देशी तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस, एक भुजाली चाकू, 2 लोहे की राड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सुनील कुमार पुत्र रामसूरत निवासी सिकंदरपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती, एहसान पुत्र फकीरा निवासी रसूलपुर चौरा थाना छजलैड जनपद मुरादाबाद, मोहम्मद सारिक उर्फ सलीम पुत्र शौकत अली निवासी मौजा कोहडवल टोला परसा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, काशिम पुत्र शाकिर निवासी अजीतपारा थाना कर्णावती जनपद गांधीनगर गुजरात, रमेश पुत्र मुलाजी भाई निवासी ग्राम गांधी धाम थाना गांधी धाम जनपद कक्ष गुजरात, अब्दुल शकूर पुत्र अब्दुल हफीज निवासी सरखेज थाना सरखेज जनपद गांधीनगर गुजरात, सावर पुत्र परमेश्वर निवासी ग्राम बसंतपुर टोला मनशापुरवा थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर व सुरेश उर्फ शनि पुत्र बदलू निवासी अतरहट थाना चिल्ला जनपद बांदा के रूप में हुई है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, फलमंडी चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्र, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल कुमार, उप निरीक्षक धर्मेंद्र जैन, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र यादव, कांस्टेबल प्रवीण कुमार पांडे, देवानंद अंकित यादव सहित सोनू कुमार यादव शामिल रहे।